अध्यायारंभः। ॐ विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उन विद्याओं की सिद्धि करने के लिए विशेष विद्याओं का प्रकाश किया है कि जो प्रथम अध्याय में प्राणियों के सुख के लिए प्रकाशित की है। उनमें से वेदी आदि पदार्थों के बनाने को हस्त क्रियाओं के सहित विद्याओं के प्रकार प्रकाशित किए हैं। उनमें से प्रथम मंत्र में यज्ञ सिद्ध करने के लिए साधन अर्थात उनकी सिद्धि के निमित्त कहे हैं। ईश्वरेणै तत् सर्वमाद्येऽध्याये विधाये इदानीं द्वितीये अध्याये प्राणिनां सुखायोक्तार्थस्य सिद्धे कर्तुं विशिष्टा विद्याः प्रकाशयन्ति। कृष्णोऽसीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिः यज्ञो देवता निश्चित्पङ्क्तिश्छन्दः पञ्चमः स्वरः। ॐ कृष्णोऽस्याखरिष्ठो अग्नये त्वाजुष्ठं प्रोक्षामि वेदीरसि बर्हिषे त्वाजुष्टां प्रोक्षामि बर्हिरसि सृग्भ्यस्त्वाजुष्टं प्रोक्षामि। ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को वेदी बनाकर और पात्रादि होम की सामग्री लेके उस हवि को अच्छी प्रकार शुद्ध कर और अग्नि में होम करके नित्य कर्तव्य कर्म करना चाहिए। नित्य किया हुआ यज्ञ वर्षा के शुद्ध जल से सब औषधियों को पुष्ट करता है। उस यज्ञ के अनुष्ठान से सब प्राणियों को नित्य सुख देना मनुष्यों का परम धर्म है। जिस कारण यह यज्ञ भूमि पर वेदी की रचना से खुदे हुए स्थान में स्थिर होकर भौतिक अग्नि से छिन्न अर्थात सूक्ष्म रूप और पवन के गुणों से आकर्षण को प्राप्त होता है। इससे प्रत्येक मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए कि मैं भौतिक अग्नि के बीच में हवन करने के लिए श्रद्धा प्रीति के साथ शुद्ध किए हुए उस यज्ञ अर्थात होम की सामग्री को घी आदि पदार्थों से सींच कर शुद्ध करता हूँ और जिस कारण यह वेदी अंतरिक्ष में स्थित होती है अर्थात इस वेदी में किया हुआ यज्ञ अंतरिक्ष तक पहुँचता है। इससे मैं होम किए हुए पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए श्रद्धा से संपादन की हुई उस वेदी को अच्छे प्रकार घी आदि पदार्थों से सींचता हूँ और जिस कारण यह द्रव्य अंतरिक्ष में स्थिर होकर पदार्थों की शुद्धि कराने वाला होता है। इससे उसकी शुद्धि के लिए जो कि शुद्ध किया हुआ पुष्टि आदि गुणों को उत्पन्न करने वाला हवन सामग्री है उसको मैं श्रुवा आदि साधनों से अग्नि में डालने के लिए शुद्ध करता हूँ। इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करने वाला होता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है।